ये दिल्ली से। अब आप प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री से राष्ट्र के नाम हिंदी में संदेश सुनिए। साथियों, आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता से विचार करना है कि इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है। जैसा आप जानते हैं, लड़ाई बंद करने में 15 घंटे की देर हुई, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए देर से राजी हुआ। गो कि पाकिस्तान ने बहुत देर से जवाब दिया, फिर भी हमें खुशी है कि आखिर वो लड़ाई बंद कर देने को तैयार हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि वे लड़ाई बंद करना चाहते थे, वास्तव में उनके लिए ये ज़रूरी था, मगर जैसे कि उनकी आदत है, वे आखिरी वक्त तक इनकार करने का दिखावा करना चाहते थे। सिक्योरिटी काउंसिल को ये बता देने के बाद भी कि उनको लड़ाई बंद करना मंजूर है, और लड़ाई बंद करने के थोड़े ही देर पहले हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितना अनुचित और बेरहमी का काम किया। दिन दहाड़े अमृतसर की शहरी जनता पर बमबारी करना ऐसा काम है जिसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जाएगी। उन्होंने जानबूझकर ये काम किया और लोगों के जान माल को गहरा नुकसान पहुंचाया। फिर खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की धमकी भी हमारे सामने है, और उनके विदेश मंत्री की तो है ही। इन दोनों ने आगे और भी भारी लड़ाई की बात की है। इस सब से पता चलता है कि पाकिस्तान के लड़ने की इच्छा ख्वाहिश अभी भी बनी है। हम तो चाहते हैं और हमारी सदा ख्वाहिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहे, लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है, तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे। इस बारे में कोई संदेह और शक नहीं रहना चाहिए। ये हमारी पक्की नीति है और इस पर दृढ़ता मजबूती के साथ अमल किया जाएगा। गो कि दोनों मुल्कों की हथियार बंद फौजों के बीच लड़ाई बंद हो गई है, फिर भी यूनाइटेड नेशंस और दूसरे सब लोग जो दुनिया में शांति चाहते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वे इससे जो गहरी लड़ाई है उसे भी बंद करें। ये लड़ाई एक मजहबी राज्य और एक गैर मजहबी या धर्मनिरपेक्ष राज्य की है। ये लड़ाई एक आज़ाद लोक राज्य फ्री डेमोक्रेसी का और एक नियंत्रित या ऊपर से चलाए जाने वाले लोक राज्य गाइडेड डेमोक्रेसी का है। ये लड़ाई कैसे ख़त्म हो? हमारी राय में इसका एक ही रास्ता है, और वो है सब मुल्कों का शांति से अपने अपने रास्ते पर चलते हुए आपस में मिलकर रहना। भारत इस आदर्श को मानता है और सारी दुनिया में उसने इस आदर्श की हिमायत की है। चाहे मुल्कों के बीच कितने ही गहरे मतभेद हों, चाहे उनके राजनीतिक और आर्थिक ढांचों में कितना ही फर्क हो, चाहे उनके बीच कितनी ही बड़ी समस्याएं, कितने ही बड़े मसले हों, फिर भी वे शांति के साथ रह सकते हैं। हमने बार बार ये कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, और हम उनका भला चाहते हैं। इस लड़ाई में भी हमने यही कोशिश की कि पाकिस्तानी फौजी मशीन पर वार किया जाए। हमने पाकिस्तान के शहरी लोगों पर बम नहीं गिराए, हमने लाहौर पर गोलाबारी नहीं की, पूर्वी बंगाल के हवाई हमलों का भी जवाब नहीं दिया, हमने कराची पर भी हमला नहीं किया। गो कि पाकिस्तान के ज़्यादातर हवाई जहाज़ वहीं से उड़कर हमारे मुल्क पर हमला करने आते थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक गैर फौजी हवाई जहाज़ पर हमला किया, जिस पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर और उनकी पत्नी सफ़र कर रहे थे।
और इस जहाज़ का पीछा कर इसे नीचे मार गिराया। पाकिस्तान ने राजस्थान, गुजरात और पंजाब की निहत्थी नागरिक जनता पर भी बमबारी की। पहले से स्कीम बनाकर हमारे ऊपर भारी हमला करके हमको उसका जवाब देने पर मजबूर कर देने के बाद पाकिस्तान जानबूझकर ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत पाकिस्तान को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। इससे ज़्यादा गलत बात और कोई हो नहीं सकती। पाकिस्तान को ख़त्म करने का कोई भी इरादा भारत के मन में नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ही लगातार भारत के खिलाफ कार्रवाई करता आ रहा है। पाकिस्तान ने ही पिछले 17 सालों में 3 बार भारत पर हमला किया है। पाकिस्तान ही हमारी सेक्युलरिज्म को नष्ट करना चाहता है। पाकिस्तान ही हमारे देश की जनता में भेद डालने के लिए सांप्रदायिकता का डर खड़ा करता है। ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में 5 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वे मुल्क के बनाने में हाथ बटा रहे हैं। उन्होंने लड़ाई के मैदान में भी शान और हिम्मत से काम किया है और सबसे ऊंचे फौजी मर्तबे और इनाम पाए हैं। पाकिस्तान के इस इरादे को हम कभी कामयाब न होने देंगे कि वो हम में फूट पैदा करे। देश की सेनाओं ने बड़ा शानदार काम किया है। उन्होंने बड़ी बहादुरी और युद्ध कुशलता दिखाई है। हमारी फौज और एयरफोर्स के बहादुरों ने बराबर मिलकर काम किया और हमारे अफसरों ने लड़ाई के मैदान में और हवाई लड़ाई में अपने सैनिकों का खुद नेतृत्व किया, उनकी रहबरी की। उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लड़ाई के मैदान से उनकी वीरता के कारनामों की खबरें आई हैं। सारा मुल्क उनके ऊपर नाज करता है और उनका दिल से कृतज्ञ है और एहसान मानता है। उनका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मुझे मालूम है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल है। मैं भारत की पुलिस के बहादुरों का भी जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्हें पाकिस्तानी हमलावरों और छाता सैनिकों की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है। कई जगह उन्हें हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमलावरों का सामना करना पड़ा। इस काम में उनमें से अनेक को अपने जान भी न्यौछावर करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी से भारतीय पुलिस के इतिहास तारीख में एक शानदार अध्याय जोड़ा है। इस परीक्षा इम्तिहान की घड़ी में सरकार को सबसे बड़ी ताकत अपनी जनता की एकता से मिली है, जो एक साथ मिलकर देश के प्रति अपना फ़र्ज अदा करने के लिए आगे बढ़ी। भारत बहुत बड़ा देश है और इसकी आबादी भी विशाल है। हमारे देश में बहुत से संप्रदाय और फ़िरके हैं। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जुबानें बोली जाती हैं। हमारे यहाँ हर एक आदमी को अपने धर्म और मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी है, मगर हम सब मिलकर एक मजबूत कौम है। इसका सबसे बड़ा सबूत इन नाजुक दिनों में देखने को मिला है। पंजाब इस मामले में बहुत आगे रहा है। पंजाब के लोगों ने बड़ी हिम्मत, डिसिप्लिन और संगठन से काम लिया है। उनका हौसला बहुत ऊंचा रहा है। सीमा के और इलाकों के लोगों ने भी हिम्मत और जवाबमर्दी से काम किया है। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से नागरिक इस बमबारी से हताहत हुए हैं। इन क्षेत्रों की जनता की कुर्बानियां और बलिदान बेकार नहीं जाएंगे। उन्होंने पूरे देश की तरफ से जवाब दिया है और सारे मुल्क की जनता उनका आभार मानती है। जो लोग आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं, उनके घर वालों के लिए मैं आदर के साथ अपनी हमदर्दी और शोक प्रकट करता हूँ। इन शहीदों के घर वालों का दुख हल्का करने के लिए सरकार जो कुछ कर सकती है करेगी। जैसा मैंने कल पार्लियामेंट में बताया, चीन की धमकी अब भी हमारे सामने है और आगे वे क्या करेंगे इसे वे ही जानते हैं। लेकिन हमको चाहे जिस ओर से भी खतरा आए, उसका शक्तिपूर्वक मुकाबला करने के लिए तैयार रहना है।
नागरिक रक्षा के लिए हमें पूरी और पक्की तैयारी करनी है। सिविल डिफेंस में जनता बहुत हाथ बटा सकती है और उसने काफ़ी हाथ बटाया भी है। हर रोज़ डिफेंस फंड में बहुत से लोग अपने आप दान दे रहे हैं। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं और दान देने वालों का बहुत आभार मानते हैं। आगे आने वाले दिनों में हमें अपनी नीतियों और योजनाओं पर व्यावहारिक दृष्टि से फिर से विचार करना होगा। हाल की घटनाओं से हमको अगर कोई सबक मिला है तो ये कि जहाँ तक हो सके हमें अपने ही ऊपर भरोसा करना होगा। आखिर में मुल्क की अपनी ताकत ही काम आती है और वही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। ये काम चंद लोगों के करने का नहीं है, यह आप सब भाई बहनों का काम है। हर एक को ये समझना है कि जिम्मेदारी का क्या अर्थ और क्या मानी है और हमें क्या करना है। हमारा आज लोकतंत्री समाज है और हमारे सब नागरिक अपने आप अनुशासन के साथ जो कुछ करेंगे उसी से इस समाज को ताकत मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे मुल्क के रहने वाले भाई शांति की जिम्मेदारी को भी उसी शानदार ढंग से निभाएंगे जिससे उन्होंने लड़ाई की जिम्मेदारी उठाई और हमले का सामना किया। उन सब मुल्कों का जिन्होंने हमारी बात समझी है और हमारे लिए सहानुभूति दिखाई है, मैं भारत की जनता की ओर से शुक्रगुजार हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। हमें इस बात पर ख़ास तौर से खुशी है कि जो देश खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं उनको छोड़कर दुनिया के बाकी करीब करीब सभी मुल्कों ने इस बात को माना है कि भारत ने हमला नहीं किया बल्कि पाकिस्तान हमलावर था। भारत का शांति में अटूट भरोसा है, ये हमारे लिए वसूल का सिद्धांत का सवाल है, स्वार्थ और खुदगर्जी का नहीं। लेकिन शांति से प्रेम रखने का मतलब ये नहीं है और न हो सकता है कि जब हमारे ऊपर हमला हो तब भी हम अपने बचाव के लिए हथियार न उठाएं। जब 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया तो उसने कुछ बातों को सोचकर ये कार्रवाई की थी। पहले तो उसने ये सोचा था कि कश्मीर में किसी किस्म का विद्रोह या बगावत हो जाएगी। दूसरे उसने ये भी उम्मीद की थी कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिक या फिरके वाराना झगड़े फसाद होंगे। पाकिस्तान के मंसूबों को सबसे बड़ी चोट जम्मू कश्मीर राज्य के बहादुर बाशिंदों ने पहुंचाई। उन्होंने बड़ी एकता और जवांमर्दी के साथ हमले के पहले धक्के का सामना किया। उन्होंने अपने राज्य की सरकार का, जिसके चीफ मिनिस्टर सादिक साहब हैं, पूरा साथ दिया। मुल्क की रक्षा करने वाले फौजों को भी अपनी पूरी मदद पहुंचाई। पाकिस्तान की दूसरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया। पाकिस्तानी हमले से हमारे मुल्क की मजबूत भीतरी एकता और भी उभर कर ऊपर आई। हमें इसी भाव को, इसी जज्बे को बनाए रखना है। हमें अपनी कोशिशों में, अपने कामों में तनिक भी ढील नहीं आने देना है। हमें खबरदार और सावधान रहना है। जो भी संकट या ख़तरा अपने मुल्क पर आवे उसमें हर स्त्री पुरुष, मर्द औरत और बच्चे को अपनी जान की बाजी लगाकर उसका मुकाबला करना है। जीत हमारी है और होकर रहेगी। जय हिंद।